वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फीचर व्यूज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड बॉस एलएक्स। टॉप ऑफ द लाइन टिपर है ये, और करंटली आप जो मॉडल देख रहे हैं इसका नंबर है 1115 TB। अब हम करें व्यूज वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर ले इसके एक्शोरूम प्राइस की, तो इसका जो एक्शोरूम प्राइस है वो है 18,25,000 रुपीज़। और हम जो व्यूज़ आपको ये प्राइस बताए ये है हिमाचल प्रदेश मंडी सुप्रीम ऑटोमोबाइल्स का। एंड अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें और ये व्हीकल लेना चाहते हैं तो इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और व्यूज़ इसकी की जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाती हैं, साथ ही में इको ब्लू फील्ड की जो कि जो यहाँ पर दी गई है, एंड टैंक को लॉक एंड लॉक करने के लिए जो कि वही यहीं पर आपको मेन की के साथ ही जो फंक्शन मिल जाता है। अब हम बात करें इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में जो विंडशील्ड है वो आपको कंप्लीट वन पैनल में देखने मिल जाएगी, जिसकी मदद से जो फ्रंट की विजिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड एक और चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो है ये काफ़ी लो है और काफ़ी बड़ी है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको जो फ्रंट में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी कम मिलता है। एंड आप इसे हैवी ट्रैफिक में इजीली ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और यहीं पे हेल्प करने के लिए मिरर दिए गए हैं ड्राइवर के लिए, जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर जो यहाँ पे फ्रंट में कोई अवेलेबल है या कोई सामान तो नहीं रखा हो, उसे कुछ भी अगर देखना चाहे ड्राइवर तो ईज़िली देख सकता है और उस मिरर से डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अशोक लेलैंड की बैजिंग जो कि सिल्वर फिनिश के साथ में आती है। एंड लेलैंड का जो लोगो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आप सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक इंसर्ट देख सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आप इसके विंडशील्ड का वॉशर का फ्यूल टैंक एक्सेस करना चाहें तो ईजिली एक्सेस कर पाएंगे इसे एंड ओपन एंड ईजिली क्लोज कर सकते हैं। ये फ्रंट जो बम्पर है व्यूज वो कम्प्लीट स्टील से डिज़ाइन किया गया है, साथ ही में इसमें आपको फ्रंट में इंटरकूलर एंड इंजन गार्ड देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इंजन गार्ड दिया गया है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से आप इसे ऑफ रोड में भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अराउंड इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 245 mm की। साथ ही में इसमें जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में स्टेप्स डिज़ाइन किए गए बम्पर के ऊपर ही, अगर आप इसकी फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करना चाहते हैं। इसके वॉशर जो है फ्रंट विंडशील्ड के यहीं पे इंस्टॉल किए हुए हैं इसके वाइपर्स के ऊपर ही। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो कैंटीना जो है इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके को ड्राइवर साइड से देखेंगे तो इसका फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो साइड ड्राइवर्स को ड्राइवर डोर के ऊपर एंड ड्राइवर डोर के ऊपर जो है हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर इंस्टॉल किए हुए देखने मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आप यहाँ पे इंडिकेटर्स देख सकते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ में आते हैं। कंप्लीट पैनल जो है फ्रंट का ये प्लास्टिक से है डिज़ाइन किया गया, साथ में इन्हें जो है ये दोनों ही जो सेपरेट पैनल्स है जिन्हें कि एक साथ इंस्टॉल करके रखा गया है। यहाँ पर फ्रंट में जो आपको देख सकते हैं साइड स्टेप्स व्हीकल के अंदर चढ़ने और उतरने के लिए। फ्रंट में आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्रंट सेफ्टी गार्ड, इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप भी इंस्टॉल की गई है। फ्रंट में स्टेबलाइजर बार भी मिल जाती है जो कि रेयर में भी इंस्टॉल की गई है, जिसकी मदद से जो व्हीकल की स्टेबिलिटी वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। फ्रंट में आपको दो लीफ स्प्रिंग्स देखने मिल जाएंगे दोनों ही साइड फ्रंट व्हील के ऊपर। फ्रंट में एंड रेयर में जो आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, इसमें जो आपको टायर साइज मिलता है वो है 8.25/16 नायलॉन का हैवी ड्यूटी टायर्स दिए गए हैं। 6 नट बोल्ट्स के साथ में इसके व्हील को होल्ड किया गया है। इसमें जो व्यूज़ आपको इंजन मिलता है वो है 3.8 लीटर एच सीरीज SCR iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये इंजन कॉमन रेल डीजल इंजन है, इंटरकूलर टर्बोचार्जर के साथ में आता है। साथ ही में इसमें जो आपको मैक्सिमम पावर मिलती है वो है 150 BHP के, टोटल टॉर्क जनरेट करता है 450 Nm का। और इसमें जो टोटल सिलेंडर है वो है 4। ड्राई ट्रैप क्लच मिल जाता है जिसका साइज है 330 mm का। फॉरवर्ड जो गियर्स मिलते हैं इसमें आपको वो है 6 speed एंड 1 reverse। ट्रांसमिशन जो है केवल शिफ्ट के साथ में आता है एंड BS6 नॉर्म्स के साथ में ये जो कंप्लाइन है व्हीकल इंजन। और इसमें जो आपको टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 105 liters की, टोटल यूरिया की जो कैपेसिटी है वो है 24 liters की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी एरिया, जिसमें कि आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन जो यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे इसके मेजर फ्यूज बॉक्स भी आप देख सकते हैं साथ ही में। इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो 12 वोल्ट 120 एम्पेयर एंड अल्टरनेटर जो इसमें वो 90 एम्स का इंस्टॉल किया गया है कंपनी के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेयर व्हील,
को ड्राइवर साइड में आप इसी के कैबिन के पीछे देख पाएंगे इसके कूलेंट टैंक की फिलिंग की ऑप्शन, एंड यहाँ पे बॉस एलेक्स मेयर मॉडल की बैजिंग। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ग्लास पैनल है ये साइड की विजिबिलिटी बढ़ाता है, साथ ही में यहाँ पे दिया गया इसका इंफोटेनमेंट स्पीकर, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, एंड इसमें जो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लैट सरफेस मिल जाता है। ये जो है बेंच टाइप सीट है जिसे कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं को ड्राइवर साइड में, एंड रूफ में आप देख पाएंगे लाइट जो कि बताता है कि कैबिन की जो हाइट हो कितनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर साइड के कैबिन के पीछे आपको यहाँ पे इनलेट की जो ऑप्शन देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और ऊपर दी गई है, मीन्स अगर आप इसके साथ फ्लडेड एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं आएगी ड्राइव करने में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 लीटर्स का यूरिया टैंक, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका डीजल टैंक जो कि 105 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है। ये जो आपका डिज़ाइन देख पा रहे हैं ये एक्स्ट्रा एयर जो यहाँ से सक करता है एंड जो स्मोक क्रिएट होता है व्हीकल के साइड में उसे रिड्यूस करता है, उसके लिए ये जो एक स्पेशल डिज़ाइन किए गए नोजल है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। रेयर में जो आपको टायर साइज मिलता है जो कि है 8.25/16 नाइलोन के हैवी ड्यूटी टायर्स दिए गए हैं, जेके के टायर्स मिल जाते हैं, जेट एक्स्ट्रा इसमें आपको टायर्स दिए गए, ट्यूब टाइप टायर्स मिलते हैं फ्रंट एंड रेयर में। एंड ये जो आप टैंक देख पा रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक एंड इंडस्ट्री ग्रेड क्वालिटी के प्लास्टिक से डिज़ाइन किए गए हैं। रेयर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसकी टेल लाइट्स जो है वो एलईडी के साथ में आती हैं, साथ ही में हिंदुजा ग्रुप की बैजिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। रेयर में एयर सिलेंडर, रेयर में आप देख पाएंगे रिफ्लेक्टिंग टेप, 3M की टेप्स जो इंस्टॉल किए गए हैं। अब हम बात करें इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर आप चाहें तो इस लोडिंग एरिया को हटा के इसके ऊपर बॉडी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि आपको वेराइटी ऑफ लेंथ में मिलती है जिसमें से एक है 150 क्यूबिक फीट की और बॉडी से लेके 200 क्यूबिक फीट की कैपेसिटी की आप बॉडी इसके ऊपर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ड्राइवर साइड में आप यहाँ पे देख पाएंगे ब्रेक जिसे कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, एंड ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर की सीट जो फैब्रिक फिनिश के साथ में आती है, इसकी जो यहाँ पे बैक साइड की सीट को एडजस्ट करना चाहते तो उसके लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए, लीवर सीट को फ्रंट एंड बैकवर्ड करना चाहते तो आप ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के साथ में एक्सीलरेटर पैडल, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके चारों इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, एंड इन हैबिटाइट मीन्स जो BS6 जो फ्लूइड है उसे आप बंद करना चाहे तो आप इस बटन को प्रेस करके आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स के हाइट एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है कि इंस्टॉल करने के लिए स्पेस कुछ इस तरह से दिया गया है। जैसे ही आप कैबिन में बैठेंगे तो आपको यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोनों तरफ, साथ ही में अशोक लेलैंड का जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें कि आप SD कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यू ऑक्स लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं, USB लगाने की ऑप्शन मिल जाती है, जो आपको एक डिसेंट सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है कॉमन प्राइवेट व्हीकल्स में वो यहाँ पर दिया गया है। एंड एक्स्ट्रा यहाँ पर आप एक और जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम या फिर GPS अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, और इसी में आपको यहाँ पे मिल जाती है डिजिटल एंड एनालॉग डायल्स के साथ में स्पीडोमीटर, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आती हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आती हैं जो कि अब बंद हो चुकी हैं, एंड यहाँ पर फ्यूल ब्रेकिंग की लाइट एमरजेंसी ब्रेक की लाइट दिखा रहा है, फिर यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसका बैटरी एंड फ्यूल पंप की लाइट, तो यही आपको लाइट्स देखने मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर जो है हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें आपको इको ब्लूड का लेवल दिखाया गया, यहाँ पे एयर ब्रेस के सिलेंडर का क्या प्रेशर वो आप फर्स्ट एंड सेकेंड का जो प्रेशर वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक ऑन है तो उसकी P, साथ ही में टाइम डेट आप यहां पे देख पाएंगे, कितने किलोमीटर व्हीकल ये चल चुका है वो है 585 किलोमीटर, और इसके बाद जो आपको एवरेज मिल रही है विदाउट लोड वो है 5.6 किलोमीटर पर लीटर की। एंड इसमें अगर आप देखना चाहें तो व्हीकल स्पीड भी चेक कर सकते हैं, एंड इंजन डायग्नोस्टिक चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन में, हर एक चीज़ ठीक है तो यहाँ पे टिक आते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन RPM कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल लेवल एंड
स्पीडोमीटर। यहाँ से जो आपको फ्रंट का व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है और यहाँ पे एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसकी एयर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉब जो यहाँ पे मिल जाती है, इजीली आप नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। पावर पॉइंट जो आपको यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट में, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन ईजिली चार्ज कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन होल्डर की स्पेस भी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, जैसे कि इको ब्लू फ्लूइड को स्टार्ट करना चाहें तो एक्स्ट्रा इंक्रीज करना चाहें तो आप इस बटन को प्रेस करके इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे, और डाउन द हिल जा रहे विद लोड तो आप इस बटन को प्रेस करके जो इंजन रीजनरेशन को यूज़ कर पाएंगे, इस बटन को प्रेस करके जो अपना लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी कैबिन लाइट्स को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, LED के साथ में आती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइड में एयर इनलेट के लिए पॉइंट, जो कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में दोनों ही तरफ दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं मिरर, जिससे कि लेफ्ट साइड की विजिबिलिटी जो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लाइंड स्पॉट जो काफ़ी कम हो जाता है। रेयर में अगर आप देखना चाहें कार्गो स्पेस को तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड आप इस मिरर को ओपन करना चाहें तो स्लाइड करके भी ओपन कर पाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड से जो रेयर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे आपको दोनों ही मिरर से जो काफ़ी अच्छी रेयर की विजिबिलिटी मिलती है। एंड व्यूज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।